वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है किसका, 14PQ और 28PQ² का। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर ये 14 लिख लेते हैं, PQ एक ये है हमारे पास टर्म और ये नेक्स्ट टर्म है, उसको हम इधर लिख लेते हैं 28P²Q². अब क्या करेंगे, 14 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सिंपल है 14 के, तो 2 और 7 ही आएगा। हमारे पास क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम किसी भी नंबर के, जो नंबर की जिसके फाइंड करना है उसको यहाँ पर लिखो, देखो अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने यहाँ पर 2 ही लेना है। डायरेक्ट आप यहाँ पर 7 ही ले सकते हैं कि 7 जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं और सॉल्व हो जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना, हमेशा प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का रूल ही होता है लीस्ट नंबर से स्टार्ट करो, मतलब अगर इन नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 ही लेना। 2 कितने टाइम 14 होता है, 7 टाइम अगेन 2 ले सकते हो, तो यहाँ पर 2 नहीं ले सकते, 2 के टेबल में 7 नहीं आता। 7 एक प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आता है, तो इसलिए 7 ही ले लेते हैं। तो इसके फैक्टर 14 के क्या आ गए, 2 और 7 आ गया। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर क्या कर लेते हैं हम, 7PQ है तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब 28 के भी फैक्टर्स हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। 28 के पहले फाइंड कर लेते हैं कि मैंने रूल जो बताया वही है कि 2 से नंबर अगर तो डिवाइड होता है तो यस ही होता है। 2 कितने टाइम 28 होता है, 14 टाइम। अगेन 2 ले सकते हैं तो यस, 2 कितने टाइम 14 होता है, 7 टाइम। अगेन 2 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, 7 प्राइम नंबर है तो 7 अपने टेबल में आएगा, इसलिए 7 ले लेते हैं। तो हमारे पास 28 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। और हमारे पास यहाँ पर P² है, तो हम P को अगर इस तरह से 2 टाइम करके लिखते हैं तो हम यहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं। इसी तरह Q² है तो हम Q को 2 टाइम लिख लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, अगर आपने करना सर्कल तो कर लें अपनी याद रखने के लिए कि क्या क्या आ रहा है, वरना बाद में रेस कर दे, तो मैं इसलिए पेंसिल से कर रही हूँ। अच्छा, 2 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 इधर तो है लेकिन इस वाले फैक्टर में और नहीं है, तो इसलिए कॉमन ही वाला 2 नहीं आएगा। 7 आ गया कॉमन, P आ रहा है कॉमन, P दोनों के फैक्टर्स में है, P आ गया, ये वाला P नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक और P नहीं है, Q आ जाएगा दोनों, ये इधर भी है इधर भी है, ये वाला Q आ गया, ये Q रह गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया कि लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसके, 14PQ एंड 28P²Q² के क्या आ गए कॉमन फैक्टर्स, एक 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 7 कॉमन है तो 7 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई एक P कॉमन है तो P लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई Q कॉमन है तो Q लिख लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इधर आंसर लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 आ जाएगा, P और Q को करवाएंगे तो PQ आ जाएगा। तो हमारे पास 14PQ और 28P²Q² में से कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर 14PQ आ गया। इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और टेक केयर।